बाहुबली बाहुबली फिल्म तो वधिया तो कोई नहीं है मूसे वाले तो वधिया कोई नहीं फिर मूसे वाले जिंदाबाद जे बॉम्बे वाले ने देखने सरदार मूवी देखो कितना में 5 आउट ऑफ 10 ने देना समझाऊंगा मैं तो जी हूं जी एंड बॉब कैंट जी नजारा बनता जी सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो सांझा टीवी मैं पूनम चौधरी ते फ्राइडे दा दिन है असीं पहुँच चुके हाँ थिएटर दे विच जिथे अज फिल्म रिलीज़ हुई है मूसा जट हालांकि फिल्म एक हफ्ते पहले यानी कि 1 अक्टूबर नूं रिलीज़ होनी सी लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म ते बैन लगा दिता जिस तों बाद फिल्म दे विच कुछ सीन कट्टण दी डिमांड की गई वल हुण फाइनली इह सारी जदोजहद तों बाद फिल्म जिहड़ी है इंडिया दे विच रिलीज़ हो चुकी है हालांकि पहला वर्ल्ड वाइड लैवल ते पहली ऐसी पंजाबी फिल्म है जिस नूं वर्ल्ड वाइड लैवल ते बाहर पहला रिलीज़ किया गया तो इंडिया दे विच फिल्म बाद विच रिलीज़ हुई है लेकिन अज जदों फिल्म रिलीज़ हो गई है तो ऑडियंस जिहड़ी है वह फिल्म नूं वेखण दे लई भारी गिणती दे विच इत्थे पहुंची हुई है तो फिल्म का जिहड़ा फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हाउसफुल वेखण नूं मिल रहा है ऑनलाइन भी तुसीं अगर चैक करोगे तो बहुत सारे इस शो जिहड़े ने वो सोल्ड आउट तुहानूं नज़र आणगे यानी कि मूसे वाले की जिहड़ी फैन फॉलोइंग का असर है उन्हां दी डेब्यू फिल्म ते साफ तौर पर वेखण नूं मिल रहा है जिवें मूसे वाले ने अपनी इस फिल्म की प्रमोशन के वक्त भी बहुत बार कहा सी कि इस फिल्म के दौरान मेले लगनगे तो वह मेले अज जिहड़े ने इत्थे थिएटर दे विच लग चुके ने गल करिए फिल्म दे स्टार कास्ट दी तां फिल्म दे विच ऑफकोर्स सिद्धू मूसेवाला लीड रोल दे विच नज़र आ रहे हैं हालांकि बाकी भी बहुत सारे सपोर्टिंग कास्ट ने इस नाल ही श्वेताज बराड़ जो कि लीडिंग लेडी के तौर पर नज़र आ रही श्वेताज बराड़ की भी एक डैब्यू फिल्म है उसने एमी विर्क के नाल अपने गाने के नाल पहला बहुत लाइमलाइट बटोरी से हुण बतौर एक्ट्रेस अपना डैब्यू कर रही है सिद्धू इस फिल्म के नाल यानी कि दोनों ही एक्टर इस फिल्म के डैब्यूडेंट ने सो फिल्म जी है फैंस के लिए काफ़ी प्रोमिसिंग है क्योंकि पहली गल तो सिद्धू जोड़ा अपना डैब्यू कर रहे दूसरी गल फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया से बहुत तमाला पाइया सी सो अज फिल्म फाइनली रिलीज़ हो चुकी है चलद अंदर वेखते हैं फिल्म तो थोड़ा इस बाद फिल्म के रिव्यूज़ दसागे तो इस ही पब्लिक रिव्यूज़ भी विखावे लैट्स गो इन साइड विद मी सब तो बढ़िया फिल्म अज के टाइम मन लगता है बेस्ट गल है भी डिले हुई है लोगों को टाइम मिल गया देखने बाहुबली बाहुबली फिल्म तो वधिया तो कोई नहीं है मूसे वाले तो वधिया कोई नहीं फिर मूसे वाले जिंदाबाद बेकार मूवी है जी नहीं नहीं बस बहुत वधिया मूवी सी 5 5 4.5 2 हाँ जी मैम बहुत बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया जी एक्टिंग सिद्धू मूसेवाले जी बाकी होर भी सारे की बढ़िया रीजन किसानी बारी सी जी किमें जी स्टार्स तो मैडम 5 out of 10 ने देना समझाऊंगा मैं तो जी ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਕੈਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ अच्छा फिल्म ना पहला बैन लगा दिता गया सी हफ्ते बाद हुने फिल्म रिलीज़ हुई है तो उन्हें लगता है कि उस बैन की वजह किसी तुसी फिल्म देख चुके तो तुसी जज कर सकते बैन की वजह मैडम वही सी बस सिर्फ किसानी करके सरकार चाहती सी है ना भी ना रिलीज हो किसानी बारे काफ़ी वधिया दिखाया अगर आप गल करिए सिद्धू की एक्टिंग की तो सिद्धू की सिंगिंग की कि तुहानू ज़्यादा कैंट लग्या कि एज एन सिद्धू हुण एक्टर जे आपां सिंगिंग की गल करिए 10 out of 10 ने है ना एक्टिंग 9 out of 10 एक्टिंग दोनों चीज़ा वधिया ने सिंगर तो वधिया है एक्टिंग तो वधिया है गाना सिरे सारे सिद्धू का कट्टर फैन कौन है
ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾਧਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੂਸਾ 2 'ਚ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਨ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਜੋ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਚੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਅਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਚੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਹੈਕਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਜੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਮ ਨਾਈਸ ਮੂਵੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ 25 ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 30 ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ 30 ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਸੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
इस करके इस फिल्म पर बैन लगाया गया सी। तो वाकई ये फिल्म जिहड़ी है अपने क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते किसानों के हक के जरूर जाती है, लेकिन इस नाल ही फिल्म के होर भी कई सारे एलीमेंट्स जोड़े ने वेखन मिलते हैं। सो सब तो पहले आप गल करते हैं सिद्धू मूसेवाला की परफॉर्मेंस की। वैल अगर सिद्धू मूसेवाला की आप परफॉर्मेंस की गल करिए तो उसने नो डाउट जिस तरह का उसका किरदार है उस तरह के किरदार उसने परदे तो उतारिया तो उसकी एक्टिंग काफ़ी नैचुरल लग रही है। लेकिन जो राइटर है फिल्म का उसने सिद्धू के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी डायलॉग जोड़े ने लिखे ने, यानी कि इस फिल्म को वेखते हुए अगर तुम पंजाब तो नहीं हो या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा पंजाबी नहीं जानते हो तो फिल्म के बहुत ठेठ पंजाबी जी थोड़ा इस फिल्म के सुन मिलेगी। तो सिद्धू जब भी कोई भी डायलॉग बोलता है तो वह डायलॉग कोई नॉर्मल हीरो वाला या नॉर्मल किरदार वाला डायलॉग नहीं है, वह बहुत ही हैवी लाइन होएगी, बहुत ही हैवी डायलॉग होएगा। यानी कि जिस तरह का सिद्धू आप हूँ तक उन्होंने गाने के सुनिया हुआ है उसी तरह का सिद्धू सानू इस फिल्म के भी वेखन मिले, लेकिन इस फिल्म के सिद्धू के कुछ गाने भी थोड़ा सुनने मिलेंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ सीन इतने आते हैं जिते सिद्धू बिना एक्चुअली गाना गाए कुछ काम करते करते हौली हौली गुनगुना रहा होंगे तो उस गुनगुनाण से ऑडियंस जी है तालियां मारन की जगह हसन लग जाती है, क्योंकि वो जी नैचुरल सिंगिंग है वो शायद परदे पर इन्नी चंगी तरह जी सूट नहीं कर रही। गल करिए फिल्म के बाकी के किरदारा की, श्वेताज बराड़ जिसका किरदार इस फिल्म के बहुत ही घट है, बहुत ही छोटा किरदार उसका रखा गया है, लेकिन श्वेताज बराड़ ने अपने एज अ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस ठीक काम किया है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि उसको बहुत अच्छा किरदार मिला हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि उसका किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से फिल्म के लिए, वो जस्ट एक रोमांटिक एलीमेंट रोमांटिक एंगल के तौर पर उस किरदार को कहानी के फिट किया गया है। फिल्म के बाकी सारे किरदार ने वो जी सिद्धू की कहानी के आस पास घूमते रहते हैं। फिल्म के काफ़ी ज़्यादा जड़ी है बंदूकबाजी, काफ़ी ज़्यादा थोनों हथियारबाजी जी है वो साफ तौर पर वेखन मिलेगी। ट्रेलर के भी यह सब सानू ऑलरेडी वेखन मिल चुका है तो फिल्म के इसका होना काफ़ी लाजमी है। तो हूँ गल करिए अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की तो फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बाकी पंजाबी फिल्मों नालों जिस पीरियडिक ड्रामा विखाया जाता है जिस पिंडा की लाइफ विखाई जाती है उससे कंपैरेटिवली इस फिल्म के एक बहुत ही अच्छे लैवल पर जी है पिंडा की लाइफ वो विखाई गई है। सो इसी फिल्म की डायरेक्शन ते फिल्म के किरदारा की गल अगर आप हूँ गल करिए फिल्म की कहानी की तो मैं थोड़ा दस चुकी हूँ कि फिल्म की कहानी दो हिस्से के डिवाइड है। फर्स्ट हाफ से फिल्म की कहानी काफ़ी वक्री है तो सैकेंड हाफ से फिल्म की कहानी किसानी आंदोलन या फिर किसानी आंदोलन का डायरैक्ट तौर पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन किसानों तो उन्होंने जमीन के तो उन्होंने फसलों के हक के इस फिल्म की कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुँच जाती है। सो सिद्धू मूसेवाला के अगर तुम फैन हो तो ओबियसली कि उन्होंने डेब्यू फिल्म है तो थोड़ा जरूर पसंद आएगी, अगर लेकिन तुम सिद्धू के फैन नहीं तो थोनू मतलब सिद्धू नू एज अ डेब्यूटेंट एक्टर स्क्रीन पर देखने की इन एक्साइटमेंट नहीं है तो थोनू ये फिल्म थोड़ी जी बोरिंग लग सकती है, यानी कि एक नॉर्मल सिनेमा लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी जी बोरिंग हो सकती है, लेकिन फिल्म किसानी आंदोलन लैके या किसानों की जिंदगी लैके थोनू अवेयर जरूर करेगी, एक चंगा मैसेज जोड़ा वो फिल्म जरूर देगी। सो इस फिल्म को किसानों के सपोर्ट के लिए तो किसानों की जिंदगी परदे पर विखाने के लिए असं दें 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। लेकिन गल करिए सिद्धू की एक्टिंग की तो सिद्धू ने एज अ नैचुरल एक्टर काफ़ी सोहना काम किया पर उसके किरदार को थोड़ा होर बेहतर बनाया जा सकता है, एक नॉर्मल किरदार पर दिखाया जा सकता है, यानी कि सिद्धू का हर सीन जब भी तुम वेखोगे ना जिमें बॉलीवुड की फिल्मों के होंगे कि हीरो की एंट्री एक स्पैशल इफेक्ट के नाल होंगी है, हीरो एक स्पैशल एंट्री करता, सिद्धू जिनी बार फिल्म के स्क्रीन पर आ रहा ना तुम उन्नी बार सोचोगे कि वो फर्स्ट एंट्री है, मतलब उन्नी बार वो एंट्री इन्ना ज़्यादा हाईलाइट करके विखाया गया। सो सिद्धू इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ दिस फिल्म, अगर तुम सिद्धू के फैन हो जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म, लेकिन अगर तुम किसानी आंदोलन के भी ओबियसली किसानों के नाल अपनी फीलिंग्स अपने इमोशनस कनैक्ट करते हो तो भी तुम इस फिल्म को जरूर देख सकते हो। सो फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। कैमरामैन आकाश के नाल पूनम चौधरी, सांचा टीवी, चंडीगढ़। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुम बिल्कुल भी मिस ना करो।